गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम किचन से और बना रहे हैं आज पोहा। तो पोहा के लिए मैंने आलू वगैरह सब कुछ फ्राई कर लिया और यहाँ पे चूड़ा वगैरह धुल के इसको इसमें हल्दी नमक और नींबू का रस डाल के अच्छे से मिला लिया। ऐसे मिला लो ना तो एक एक दाने में सब कुछ टेस्ट आता है बढ़िया नमक वगैरह का, और नहीं तो ऊपर से डालो ना तो कहीं कहीं टेस्ट आएगा कहीं नहीं। तो जब आलू पका रहे थे ना तो उसमें भी हल्का सा नमक डाल देते हैं ताकि उसमें भी टेस्ट आए। बस क्या है, हमारा पोहा रेडी है खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस सबका हम निकाल देते हैं और हम लोग भी खाते पीते हैं। और आज हम पीने वाले हैं चाय, क्योंकि पोहा के साथ चाय पीने में मज़ा आता है। बस इसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं खाना पे। तो यहाँ पे बना रहे हैं खाना और साथ में काटेंगे वाटरमेलन, क्योंकि 2-3 दिन से रखा हुआ था तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो बस इसको काट के सबको दे देते हैं और खाते पीते हैं, उसके बाद खाना बन जाएगा। तो 2-3 घंटे में खाना पीना खावा के फिर उसके बाद काम होता रहेगा। सब लोग खा लिए थे काम वाम करके, फ्री बैठी थी तो मुझे कुछ काम था बाहर, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अभी आधे घंटे में चले आएंगे। तो अनाया को लेके चली गई, अनाया सोने वाली थी तो उसको लेके मैंने आ गई बाहर। और बस बाहर आते ही अनाया पहले ही पापा से बोल दी, पापा मुझे ये लेना है। तो क्या लेना है अभी देखिए क्या लेती है। बस घर से जाते टाइम यहाँ पे ले रहे हैं मैंगो, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा आ गया था खा के। और यहाँ पे बनाना खा रहे हैं क्योंकि बाहर कुछ खाने का मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अनाया बस बार बार बोल रही है पापा मुझे ये लेना है, पापा मुझे ये लेना है। तो बस हम लोग आ गए हैं अनाया का डिमांड पूरा करने, तो क्या लेते हैं चलिए देखते हैं। तो हम लेने आए हैं कैरम बोर्ड। ये अच्छी वाली है, दे दीजिए फिर ये। तो कैरम के साथ हम लोग बिल्कुल सस्ती वाली। अच्छा देखिए वो वाली, वो भी दे दीजिए, काहे कि ये अभी खेलेगी ना तो खोआ देगी सब। एक ये भी दे दीजिए, एक वो भी। अरे मिल जाएगा फिर, नहीं तो ये वाला रख देंगे, ये बोले खेलेगी, दोनों दे दीजिए। प्लास्टिक के कर देगा। हाँ। और कुछ लेना है ना? लेकिन ये फंसेगा बहुत ज्यादा, लग नहीं रहा है। नन्नू के पास ये सारे हैं समझ लो, जो जो रखा है। ये भी है, चलो घर पे देंगे ना, वाह होगी क्या। तो कैरम बोर्ड हम ले लिए हैं, पीछे रख दिए, देखो घर पे कहाँ रखते हैं। बड़ा सोना सोना आ रहा है यार, कुछ क्या है वही तो। नहीं चलने बच्चे दवा लेना है क्या? ये पता नहीं क्या निकल गया है, सब नो चुवाई है खरगोश से। विदेशी लोग से बात करनी है, बात कर लोगे? इंग्लिश में बात करना से करना पड़ता है उनसे।
ये भी दीदी से बात करेगी। दीदी से बात करते हैं। बोल तो रही है कर लेंगे। ओ जाओ बेटा पापा के साथ जाओ। अच्छा बैग उठा ले। ठीक है जाओ जाओ। हाँ बेटा हाय गाइस, तो यहाँ पे हम बैठे हैं धूप गर्मी में अकेले, क्योंकि अनाया के पापा और अनाया गई है दवा लेने। यहाँ पे उसको गाल में कुछ निकल गया था तो गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। शीशा खोली थी लेकिन आवाज़ ना बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर वाली। बस एक दवा आया था ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ी सी थी तो दवा लगाने से और बढ़ गया था। अब तो दूसरा दवा लेने गए हैं। कैरम बोर्ड वगैरह ले लिए हैं, ले तो लिए लेकिन देखते हैं कैसे रखते हैं, क्योंकि रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जगह छोटी और सामान इतना ज़्यादा है कि बस बैंड बच जाती है मेरे सामान रखने में। बहुत बड़ा वाला, मतलब छोटा और बड़ा सेम ही प्राइस की थी, बस मतलब 19-20 था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा चलो बड़ा ले लेते हैं, भैया भी बोले बड़ा ही ले लो वो ज़्यादा सही है। तुम कहे जो अच्छा है वही दीजिए, तो ये वाली सही लगा उनको तो यही वाला हम लोग लिए हैं। बाहर निकल गए क्योंकि बहुत गर्मी है। ओह बहुत दूर से आ रहे हैं, वहाँ पे है एकदम इधर से आ रहे हैं उधर से। बहुत गर्मी थी, निकल गए एकदम खुजली होने लगी इधर उधर सब। वाह दिख रहा है, दिख रहे हैं मेरे पतिदेव। मिल गया गरी चलने के लिए निकल। एक हफ्ते में एक गोली तो अगले सुपर खिलाया पड़ेगा। अच्छा चार गोली तो ये खिलाने वाला कैप्सूल है, खिलाते हैं देखते हैं। चलो चलो आराम से ताकि कोई कांड वांड हो तो सब रिकॉर्ड हो, पता है। तो बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा कम बढ़ गया था, क्योंकि कैरम बोर्ड वगैरह की वजह से ना इतना ज़्यादा फैल गया था कि बस उसी के चक्कर में ब्लॉग नहीं बनाई। और यहाँ पे बन चुका था मेरा खाना, खाने में बना था आलू दही की सब्ज़ी, भरता और रोटी, तो जिसमें से अनाया दोनों नहीं खाती है तो खुद से बना रही है टिक्की। तो देखिए कैसे बना रही है, छोटा कोई बड़ा कोई मीडियम। चिपक जाएगा। हाँ दिमाग है। खाना बना लिए है ना, तो ये जो टिक्की बनाई है ये है, ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई हुई है। और ये मेरी आलू दही की सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। तो
इस टाइम बज रहे थे 10:30 या 11, क्योंकि आज लेट हो गया था। मैं इतने लेट में जल्दी खाती नहीं हूँ, जल्दी बना लेती हूँ, तो जल्दी खा पी के अनाया को सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के सोते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा बना है? बहुत टेस्टी है ना। चलो गुड नाइट बोल दो। जल्दी जल्दी टेस्ट हो गया छोटा सा बच्चा। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, बाय बाय।